हाय गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं रेखीय समीकरण के बारे में। तो आज हम रेखीय समीकरण के बारे में बात करेंगे एक चर में। तो रेखीय समीकरण होता क्या है आखिरकार, वो चीज़ समझेंगे हम। तो रेखीय समीकरण क्या होता है कि जो भी चर होता है, मतलब चर और अचर दो शब्द होते हैं, चर और अचर। मतलब चर मतलब जो चल सकता है, जैसे कि एक्स वाई और जेड हम जो मानते हैं उनको होते हैं एक्स वाई जेड। तो ये क्या होते हैं, चर राशि होती हैं। और दूसरा होता है अचर। अचर में आते हैं जैसे कि 2, 6, 8, 10, मतलब इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, अचर हो गए। जिनकी चेंज कर सकते हैं वो चर होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक चर वालों की। तो एक चर वालों की बात करेंगे तो वो मेन चीज रहती है कि अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो भी एक चर वाले राशि वाले होते हैं तो इनको डिनोट करते हैं यूकल से। अब जैसे कि एक्स प्लस 6 इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष। तो बायां पक्ष प्लस इक्वल दायां पक्ष। अब मेन चीज़ क्या रहती है, एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं यूकल के बाद में। अब जो लेफ्ट राइट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ देख लीजिएगा आप कि यदि एक्स यूकल ये वाई है, अगर इनको ट्रांसलेट करेंगे, अगर वाई को इधर भेजा हमने तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। मतलब कि जो ये साइन है यहाँ पर, अगर कोई साइन नहीं रहता है यहाँ पर, जैसे कुछ नहीं लिखा बाई के सामने, तो ये प्लस का माना जाएगा, प्लस का बाई। और जब प्लस का बाई दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका हो गया, माइनस का हो गया है। ऐसे ही आप बात मान लीजिए कि जैसे कि एक्स प्लस 2 यूकल 4। अब ये 4 जो जाएगा इधर को, तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 4 इक्वल 0। तो ये इस तरीके कंडीशन रहती है। अब यहाँ पर हम जोड़ घटा कर सकते हैं, ये जोड़ेंगे 2 प्लस के 4 माइनस के, तो माइनस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये आंसर हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ये एक्स प्लस ये हटा दीजिए और एक्स प्लस ये, तो अब यहाँ पर एक्स है इक्वल टू 6 इक्वल टू 8। अब इसको हमने क्या किया कि अब जो भी रहती हैं जैसे संख्याएं, संख्याओं को एक तरफ करेंगे और चर राशि को एक तरफ करेंगे, मतलब एक तरफ चर और एक तरफ अचर। तो अब हमने एक्स को यहीं छोड़ा, यूकल के नीचे यूकल लेकर लगाया, यहाँ 8 है तो 8 रहने दिया। अब इस 6 को हम लेके गए इधर, तो इस इधर लेके जाएंगे 6 को, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक्स 6 यहाँ पर है प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए एक्स यूकल, अब 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, तो मतलब एक्स बराबर 2 आ जाएगा इस तरीके से। अब इस तरीके से कोई और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स प्लस 13 इक्वल टू 16। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल है। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 16 जोके तो रहेंगे, इसके बाद में ये 13 हो जाएंगे माइनस के। अब एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। अब इससे हम थोड़े एडवांस क्वेश्चनों पर चलते हैं, जिससे कि मतलब कोई और ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आ जाता है, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है DLED सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है रेखीय समीकरण का एक चर वाला, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। सो गाइस, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चनों पर। तो नेक्स्ट लेवल का क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स प्लस 6 इक्वल यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन को 3x प्लस 6 इक्वल एक्स प्लस 8। अब देखिएगा, हमने पहले सिस्टम में क्या बताया था, इस 6 को ले जाएंगे इस तरफ, और अब जो चर राशि को इस तरफ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ। अब देखिए यहाँ पर 3x, अब इधर ले जाएंगे, x इधर आएगी बराबर की इक्वल के, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बराबर के नीचे बराबर लगा दिया आपने, अब 8 के नीचे 8 जो का तो रहने दो, अगर इस 6 को ले जाएंगे इस तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x में से 1x गया तो कितना बचा, 2x इक्वल 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2x, और x इक्वल
अब 2 है, अब इस 2x से 2 से भाग देंगे जो तो कट जाएगा, अगर इस तरीके से नहीं तो आप इसको नीचे पहुंचा दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। अब x इक्वल टू 2 एकम 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई इस तरीके से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लीजिएगा, थोड़ा एडवांस और देख लेते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर 4x प्लस 10 इक्वल और 2x प्लस 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करना है, x को x की तरफ ले जाओ, संख्या को संख्या की तरफ ले जाओ, तो 4x इधर आएगा तो माइनस के 2x, यूकल के नीचे यूकल, 12 के नीचे माइनस 10। अब 2x में से मतलब घटेगा जो सेम में से घटेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर x से x है तो घट जाएगा, अगर यहाँ पर x होता बाई होता तो फिर यहाँ से पॉसिबल नहीं था घटने का। तो गाइज ये देखिएगा यहाँ पर 4x है या 2x है, तो कितनी x बची, तो 2x यहाँ पर बच जाएंगे, यूकल के नीचे यूकल। अब 10 में से माइनस 2 गया तो कितना बचता है, यहाँ पर बचता है 2 बचता है, तो x यूकल कितना हो गया, 2 अपॉन 2, 2 से भाग दे दिया 1 बार कट गया तो यूकल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टेप हार्ड होते जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया इसने 4x प्लस 6x प्लस 10 इक्वल 5x प्लस मान लीजिए 30 लिख दिया, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब क्या करेंगे, x x यहाँ पर सेम है, बराबर के दर है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ये एडिशन हो जाएंगी, 4x और 6x कितनी हो गई, 10x, और इस 5x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 5x इक्वल, इस 10 को ले जाएंगे इस तरफ, 30 जो का तो रहेगा माइनस 10। अब देखिएगा तो कितना होता है, तो इस ये बचेगा 10x में से 5x गए तो 5x बचेगा, तो 5x इक्वल 30 में से 10 गए, 30 में से 10 गए तो बचता है 20। अब यहाँ पर x 5x इक्वल 20 और x इक्वल 20 अपॉन 5, मतलब भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, कितना बार कट गया, 4 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4। सो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत बेहद